नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश कुमार सिंह। दोस्तों आप देख रहे हो राजनीति। दोस्तों आज हमारी टीम पहुंची है कोटरी ग्राम के लुहारवास गांव में, जहां पे हाल ही में खंडेला प्रधान के द्वारा कोटरी बांध का शिलान्यास किया गया था। तो दोस्तों हम यहां उपस्थित कर्मचारी से बात करना चाहेंगे और सरपंच साहब से भी बात करना चाहेंगे। इस बांध के निर्माण से कौन कौन से गाँव को फ़ायदा होगा और कितने रुपये की लागत आएगी इस बांध को बनाने में, मतलब दोस्तों आप वीडियो पूरा ज़रूर देखें। और दोस्तों अगर हमारे चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जो पास में बेल आइकन है उसे दबाकर ऑल पर कर दें, ताकि मेरे ऐसे और वीडियो बनाते रहता हूं तो आपको वीडियो देखने को मिल सके। आप लोगों का भी प्रयास रहा है कि समय समय पे आप लोगों ने साथ दिया, हौसला अफजाई की कि कैसे भी करके ये कोटड़ी का बांध बने। आज ये कोटड़ी का बांध बनने से सिर्फ कोटड़ी के लोगों का ही नहीं, उदयपुर वाटी से लेके खंडेला तक के लोगों का ये भला होगा। आने वाले दिनों के अंदर जो हमारी सबसे बड़ी समस्या पीने की पानी की है वो तो दूर होगी होगी, लेकिन जैसे सिंचाई का भी है इस बांध के अंदर। पहले तो आप ये बताइए कि जो कोटड़ी में बांध बनेगा इसका भराव क्षमता कितने दूर तक रहेगी? इसकी भराव क्षमता है वो पलियारास पंचायत में कूड़ी की लड़ी तक की है। 30 साल से हम जो इस बांध के लिए कोशिश की मारेशन जी ने। दोनों का मुआवजा मिल जाएगा और कास्त भी जमींदार पानी, क्यों जो साइडों में जमीन है ना वो जमीन खाली हो जाएगी। जब सिंचाई के लिए आज सोच कार्तिक के महीने में पड़ाव करते हैं अपने काश्तकार, तो पानी छोड़ दिया जाएगा तो साइडों में जिसको मान लो खेत खाली हो जाएंगे पानी से और वहाँ खेती हो जाएगी, इसको डबल फायदा होगा। नमस्ते सर जी, पहले तो नमस्कार हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए। धन्यवाद सर। सर आप बताना चाहेंगे कि यह किस प्रोजेक्ट की तैयारियां हो रही हैं? ये सर ये कोटड़ी डैम के लिए है जो सिक्कर का चौथे नंबर का बड़ा डैम रहेगा। और सर यह कब तक पूरा हो जाएगा? इसका टाइम पीरियड 2 साल का है और 6 महीने एक्स्ट्रा पीरियड। अच्छा अच्छा। और सर आप बताना चाहेंगे कि यह मशीन किस काम के लिए आई है यहाँ पर? ये मशीन SBC टेस्ट के लिए आई है, हम लोग सीपेज की जाँच करेंगे यहाँ, जो पानी स्टोरेज हो रहा है अपना वो नीचे से ना सीपेज हो, कहीं स्टोरेज होने के चांसेस कम हो जाते हैं। जैसे मतलब कि नीचे जमीन में कठोर जगह कहाँ है जी, उसका टेस्ट कर रही है मशीन। कठोर जगह और अपना जो डैम रहेगा उसकी हाइट या वो वजन सह सकती है नहीं। और सर आप बताना चाहेंगे कि इस डैम की हाइट ऊंचाई कितनी रहेगी? अभी तक ये निश्चित नहीं है, जैसा कि नीचे का जो धरातल मिलेगा हमें उस हिसाब से इसकी हाइट रहेगी। और सर आप बताना चाहेंगे कि कितनी दूर तक भराव क्षमता होने के बाद लोगों को फ़ायदा होगा? ये 10 किलोमीटर का एरिया रहेगा और इसके सिंचाई क्षेत्र जो रहेगा अपने खंडेला तक का रहेगा। हम आपको 5 HP हॉर्स पावर का सीपेज व्यवस्था चलेंगे सिंचाई के लिए, पाइपलाइन गैस पाइपलाइन की तरह। 2 साल तक मुफ्त रहेगा, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी का बिल किसान को देना पड़ेगा, उसके लिए अतिरिक्त फंड है। और सर आप बताना चाहेंगे कि कितनी सारी मशीनें और आएंगी अभी? तो अभी सर मैक्सिमम स्टोन पिचिंग का ज़्यादा काम है, तो बड़ी मशीनें अभी 2 महीने बाद ही आएंगी, अभी जब तक ये इसका डिज़ाइन अप्रूवल नहीं हो जाता उसके बाद। और सर आप बताना चाहेंगे कि काफ़ी बड़ा बांध बनेगा तो यहाँ के लोगों को रोज़गार भी उपलब्ध होंगे? हाँ, रोज़गार मिलेगा, जैसे मछली पालन हो गया, सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध होगा समय पर, बहुत सारे हैं। और सर पर्यटन स्थल बनने का भी चांसेज रहते हैं शायद? पर्यटन स्थल का जैसे यहाँ पे यूरेनियम वगैरह निकल रहा है तो उस हिसाब से अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं इस क्षेत्र को। इलाका काफ़ी भराव क्षेत्र काफ़ी 10 किलोमीटर का रहेगा इसका, विस्थापित हम किसी को नहीं करेंगे यहाँ पे, सबसे बड़ी चीज़ ये है। विस्थापित जो कोई भी नहीं होगा, जो लोग रह रहे हैं उनको विस्थापित नहीं किया जाएगा, बाकी भराव क्षमता तो 10 किलोमीटर तक रहेगी। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा ये कोटड़ी बांध खंडेला विधायक महादेव सिंह खंडेला का ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसे आखिरकार उन्होंने 30 साल के लंबे संघर्ष के बाद आखिरकार यह सौगात खंडेला निवासियों को दे दी है।
कोटरी बांध के निर्माण से 10 किलोमीटर के क्षेत्र का जल स्तर तो सुधरेगा और दोस्तों आसपास के गांवों को सिंचाई करने के लिए जल भी उपलब्ध करवाया जाएगा। दोस्तों चैनल पे पहली बार हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्यों मैं ऐसे न्यू अपडेट्स पे वीडियो बनाता रहता हूँ। अतः आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जो पास में बेल आइकन है उसे दबाकर ऑल पर कर दें ताकि मेरा जो भी कोई नया वीडियो आए आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके और आपको वीडियो को देखने के लिए मिल सके।